असल मैं हूं गुलाब अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुलाब यूट्यूब चैनल वेलकम करता हूं अपने चैनल में दोस्तों आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने फेसबुक प्रोफाइल टाइप पेज को कैसे परमेंटली डिलीट कर सकते हैं मतलब कि काफ़ी सारे दोस्तों ने बोला कि गुलाब भाई हम अपना अगर प्रोफाइल टाइप जो पेज है उसको परमेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से डिलीट कर सकते हैं तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप तरीका मोबाइल में आप रह के आप अपने फेसबुक प्रोफाइल टाइप पेज को परमिटली डिलीट कर सकते हैं तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल की तरफ और हम आपको डिलीट करना सिखाते हैं जी हाँ दोस्तों तो देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और सबसे पहले दोस्तों आपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है उसके बाद दोस्तों आपने वो पेज सिलेक्ट करना है जिस पेज को आप परमेंटली डिलीट करना चाहते हैं जो प्रोफाइल टाइप पेज है वो प्रोफाइल टाइप पेज आपको कहाँ पर मिलेगा दोस्तों यहाँ पर आपको थ्री लाइन का एक ऑप्शन मिल रहा है आपने इस थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक तीर नुमा जो नौ प्लस लिखा हुआ है इस तीर नुमे के ऊपर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे पेजेस आ रहे हैं दोस्तों याद रहे कि आपने उस पेज को सिलेक्ट करना है क्लिक करना है जिस पेज को आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं याद रहे कि दोस्तों अगर आपने गलती से किसी और पेज को क्लिक कर दिया तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा डिलीट होने के बाद तो दोस्तों यहाँ पर मैं सेंटर वाले को डिलीट करना चाहता हूँ परमानेंटली टिक अपडेट के नाम से इसके ऊपर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ जैसे ही दोस्तों सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको थ्री लाइन का एक ऑप्शन मिल रहा है ठीक है यहाँ देख सकते हैं थ्री लाइन का एक ऑप्शन है दोबारा से आपने इस थ्री लाइन के ऊपर सेलेक्ट करना है दोस्तों काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे ऊपर ऊपर आपको सेटिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है ठीक है सर्च के साइड में सेटिंग का एक ऑप्शन है आपने इस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है या फिर नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का यहाँ पर अगर आपको नहीं मिल रहा आपने इसके ऊपर सेलेक्ट करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पेज अपडेट्स का पेज uh, सेटिंग्स का आपको ऑप्शन मिल रहा है ये देख सकते हैं पेज सेटिंग्स आपने इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना है जैसे ही दोस्तों सेलेक्ट करेंगे तो एक न्यू इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा आपने देखने देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सेज एंड कंट्रोल दोस्तों देख सकते हैं एक्सेज एंड कंट्रोल आपने इसके ऊपर सिलेक्ट करना है क्लिक करना है जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का न्यू इंटरफेस आ जाएगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन दोस्तों हम डिलीट करना चाहते हैं तो नीचे आपको टेम्परेली डीएक्टिवेट परमानेंटली डिलीट योर पेज नीचे आ रहा है आपने इस तीर के या इसके ऊपर सिलेक्ट कर देना है तो दो दोस्तों जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं दो जो बटन है वो आ रहे हैं यहाँ पर डीएक्टिवेट पेज दूसरे नंबर पे है डिलीट पेज तो दोस्तों हम परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर डिलीट पेज अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं रखना चाहते हैं तो डीएक्टिवेट ये जो है टेम्पररी डीएक्टिवेट होता है तो ऊपर वाले को सिलेक्ट करें अगर परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो नीचे लिखा हुआ है डिलीट पेज डिलीट योर अकाउंट इज परमानेंटली उसके बाद ये टिक करने के बाद यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का बिल्लू में आ रहा है कंटिन्यू आपने इस कंटिन्यू के ऊपर सिलेक्ट करना है तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करेंगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा उसके बाद दोबारा से आपको बोल रहा है कंटिन्यू आपने दोबारा से कंटिन्यू के ऊपर सिलेक्ट कर देना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आ रहा है परमानेंटली डिलीट पेज आप थोड़ा सा नीचे आएंगे नीचे आने के बाद आपको कह रहा है कि कंटिन्यू मतलब कि आपका पूरा डेटा भी डिलीट हो जाएगा यहाँ पर ऊपर लिखा हो रहा है आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं और अपने कंटिन्यू के ऊपर सेलेक्ट कर देना है जैसे ही दोस्तों सेलेक्ट करेंगे तो आपको कह रहा है कि आपने फेसबुक अकाउंट का यहाँ पर पासवर्ड लगाएं जिस अकाउंट पे आपका पेज है तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना जो पासवर्ड है वो लगा देता हूँ मैंने लगा दिया ठीक है उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू का ऑप्शन है दोबारा से आपने इस कंटिन्यू के ऊपर सेलेक्ट कर देना है जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर लिखा आ रहा है डिलीट तो टिक अपडेट्स पेज एंड इंफॉर्मेशन परमिनटली मतलब कि आपका डिलीट हो जाएगा परमिनंटली तो आपने दोबारा से यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो लास्ट आपको वार्निंग दे रहा है कह रहा है कि फॉलोइंग पेज विल बी डिलीटेड एंड यू विल स्विच टू तो आपके अकाउंट पे स्विच हो जाएगा और ये जो टिक अपडेट है ये परमेंटली डिलीट हो जाएगा दोस्तों रखना चाहते हैं तो बैक करें वरना आपको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट पेज आ रहा है तो दोस्तों मैं डिलीट करना चाहता हूं जैसे ही डिलीट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आपका दोस्तों ये जो है न मतलब कि आपका स्विच हो जाएगा आपके फेसबुक अकाउंट पे और वो पेज आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा मैं अभी यहाँ थ्री लाइन के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों और दोबारा से उसी तीर नुमा निशान के जाता हूँ तो वो पेज आपको दिखाता हूँ हाय यानी ये देख सकते हैं दोस्तों पहले पेज था वो अभी मेरा पेज नजर नहीं आ रहा है तो दोस्तों इसी तरह आप अपने फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं प्रोफाइल टाइप पेज को उम्मीद करूंगा कि अगर आपको समझ में आया है अगर नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा उम्मीद करूंगा कि अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी यूट्यूब चैनल जो कि आपके सामने आ रहा है इसी यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुलाब को सब्सक्राइब करके घंटी को लालमी दबाएं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक दीजिए अपने दोस्त भाई गुलाब अली को इजाज़त ओके अल्लाह हाफिज़ गुड बाय